बढ़लगंज पुलिस ने क्षेत्र में बढ़ती हुई लूट की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए चलाए गए अभियान के तहत पटना चौराहे से दो शातिर लुटेरों को गिरफ्तार करके उनके पास से 33,400 रुपए, एक 315 बोर का तमंचा, जिंदा कारतूस और लूट की घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद की है। पकड़े गए अभियुक्त की पहचान बढ़लगंज थाना क्षेत्र के गोला कस्बा निवासी भोला कुरैशी पुत्र कुमैल कुरैशी और जुबैर कुरैशी पुत्र गामा कुरैशी के रूप में हुई है। दोनों शातिर किस्म के लुटेरे हैं और बढ़लगंज और बेलीपार में हुई लूट की घटनाओं में शामिल थे। गुरुवार को अपने कार्यालय में घटना का खुलासा करते हुए एसपी साउथ ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी ने इस बारे में बताया। बढ़लगंज में एक लाख की चुनौती हुई थी और दिनांक 15 को 10,000 की चुनौती बेलघाट में हुई थी। इसके बाबत क्राइम ब्रांच की और हमारे थाने की पुलिस सक्रिय थी। इसमें हमारे एसपी क्राइम साहब, सीओ क्राइम साहब, हमारे सीओ इंस्पेक्टर, पूरी टीम लगी हुई थी और ये सूचना लगातार मिल रही थी कि अगल बगल के कुछ लोगों द्वारा ये कार्य किया गया है। फोटो की पहचान जो वादी है उसने की कि हाँ ये यही व्यक्ति है। उस पहचान के आधार पर हम लोगों ने काम करना शुरू किया और जब ये सूचना मिली कि ऐसे लोग फिर किसी तरह के कार्य की फिराक में हैं, दौरानी गिरफ्तारी, इन लोगों ने इस बात को स्वीकार भी किया, इनको पटना चौराहे पर गिरफ्तार किया गया, जहाँ से इनके पास से लगभग 33,400 रुपये, एक तमंचा, गोली और एक मोटरसाइकिल भी मिली है जो इन्होंने लूट में यूज़ की थी। और ये मोटरसाइकिल हम लोगों ने कनेक्ट कर ली है, ये पटना से चोरी की गई थी और ये बरामद की गई है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो आधार कार्ड था वो जो वादी था वो भी इनके पास बरामद किया। ये और भी सदस्य इनके साथ की वैसे ही दो मिलकर काम कर रहे थे? अभी इन पर और पूछताछ बाद में की जाएगी क्योंकि समय कम था, माननीय न्यायालय में इन्हें प्रस्तुत करना है, बाकी इनका सजरा निकाला जा रहा है, बाकी डिटेल्स। सर, ये पहली लूट इनकी थी? किससे पहले? इसके पहले भी जा चुके हैं और पहले से ही जा चुके हैं, इसकी डाटा हमारे पास पहले भी। क्या ये कोई व्यापार भी करते हैं, रोजगार करते हैं या फिर निश्चित रूप से कुछ व्यापार में भी लगे रहते हैं और अपने पैसे को ये लोग डाइवर्ट भी करते हैं, अपने घर में देते हैं, अपने परिजनों को देते हैं और एक व्यवसाय भी इन्होंने खड़ा कर रखा है छोटा मोटा, भी किसी को इनके पास शक सुबह ना होने पाए।